घास फूस तिनके और हैवानात के मुर्दा जिस्म को खाद में तब्दील कौन करते हैं? हैवानात, नबातात, खुर्दबीनी अजसाम या परिंदे? और इसका सही जवाब है खुर्दबीनी अजसाम। खुर्दबीनी अजसाम घास फूस तिनके और हैवानात के मुर्दा जिस्म को खाद में तब्दील करते हैं, जिससे नबातात को तगज़िया बख्श मादे मिलते हैं, जिससे फसल अच्छी होती है। अगला सवाल है, कोट देने की उम्र 21 साल से 18 साल कब किया गया? 1988, 1990, 1990 या 1991? और इसका सही जवाब है 1988। कोट देने की उम्र 21 साल से 18 साल 1988 में किया गया। अगर इसी साल में और गहराई से अगर आप मुताला करेंगे तो ये दस्तूर की 61वीं तरमीम के जरिए से ये तब्दीली की गई। अगला सवाल है, हसब जेल का ताल्लुक तालीम निस्वा के फरोग से था। सावित्री बाई फुले, फातिमा शेख, महर्षि ढोंडो केशव कर्वे या मुंदरजा बाला तमाम, इनमें से किसका ताल्लुक तालीम निस्वा के फरोग से था, यानी लड़कियों की तालीम को बढ़ावा देने के लिए इसमें से किसने काम किया? सही जवाब है ऑप्शन डी, मुंदरजा बाला तमाम, यानी सावित्री बाई फुले और उनकी माविन फातिमा शेख और महर्षि ढोंडो केशव कर्वे, इन तमाम ने औरतों की तालीम यानी लड़कियों की तालीम के लिए कोशिशें की, जिसकी वजह से बहुत सारी समाज में तब्दीली आई। अगला सवाल है सबक नंबर 7, अपने मसाइल हम खुद हल करेंगे। सवाल है, महात्मा गांधी गैर निजाई गांव मंसूबा कब शुरू हुआ? 2006, 2007, 2008 या 2009? और इसका सही जवाब है 2007। महात्मा गांधी गैर निजाई गांव मंसूबा 2007 में शुरू किया गया। इस मंसूबे का मकसद ये है कि गांव के मसाइल या गांव के झगड़े खुद गांव में ही हल कर लिया जाए, जिसके लिए आपसी बातचीत के जरिए मसलों का हल निकालना है, जिससे आपस में गांव में एकजहती बरकरार रहती है। इस तरह से जो गांव अपने आपसी मसलों को झगड़ों को हल कर लेता है, उस गांव को अवार्ड भी दिया जाता है। सवाल का जवाब, महात्मा गांधी गैर निजाई गांव मंसूबा 2007 में शुरू किया गया। अगला सवाल है, नज़मों के जरिए गांव की सफाई की अहमियत लोगों के दिलों में किसने जगाई? संत सूरदास, संत कबीरदास, संत गाड़गे बाबा या महर्षि ढोंडो केशव कर्वे? और इसका सही जवाब है संत गाड़गे बाबा। संत गाड़गे बाबा ने नज़मों के जरिए से गांव की सफाई की अहमियत लोगों के दिलों में जगाई। अगला सवाल है, मिलजुल कर करें गांव की सफाई, नाली मोरी की भी हो सुथराई, हंसते हंसते करें ये काम, साफ हो जाए हर राह हर गांव, ये गीत किसने लिखा? गीतों के जरिए से भी बहुत सारे लोगों ने गांव के मसाइल या गांव की सफाई के लिए कोशिशें की है, तो ये जो गीत है ये गीत किसने लिखा है? और इसका सही जवाब है संत टुकड़ो जी महाराज, इन्होंने ये गीत लिखा है। अगला सवाल है, अक्वामे मुत्तहिदा की जानिब से यौमे आलमी अमन कब मनाया जाता है? 14 सितंबर, 21 सितंबर, 27 सितंबर या 24 अक्टूबर? और इसका सही जवाब है 21 सितंबर। अक्वामे मुत्तहिदा की जानिब से यौमे आलमी अमन 21 सितंबर को मनाया जाता है। वहीं पर ऑप्शन डी जो 24 अक्टूबर है, ये अक्वामे मुत्तहिदा का यौमे तासीस है। अगला सवाल है, अक्वामे मुत्तहिदा का सदर मुकाम क्या है? जिनेवा है, लंदन है या न्यूयॉर्क है या टोक्यो है? और इसका सही जवाब है न्यूयॉर्क। अक्वामे मुत्तहिदा का सदर मुकाम है न्यूयॉर्क।